ना तो वो हमारे बाढ़ के लोगों को जानता है, ना हमारे बाढ़ के लोग उसे जानते हैं। खैरगढ़ का रहने वाला आदमी है और यहाँ पर खड़ा हो गया है और उसे टिकट दी गई है। हमारी मेरा सर्वे पहला नंबर था और उसका तो सर्वे में नंबर ही नहीं था और उसका मतलब मेरा नंबर काट करके पहला नंबर और उसको टिकट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव की शुरुआत हुई तो यहाँ पर आवेदन जब से मांगे जाने लगे थे, भ्रष्टाचार तो तभी से शुरू कर दिया था। महानगर अध्यक्ष और उनकी टीम ने पैसे ले लेकर के आवेदन मांगे गए, कुछ लोगों से 51-51 सौ रुपए तब लिए गए। मैंने तब भी इस बात का विरोध किया था, इन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ गुंडों द्वारा हमला करा दिया था, लेकिन ये बात और आगे बढ़ती चली गई, ये लोग निरंकुश होते चले गए और माननीय वीरेंद्र सिंह सिरोही जी हमारे जो यहाँ पर चुनाव अधिकारी के रूप में आए थे उनके समक्ष भी जो नाम तय हुए, कल जो सूची जारी हुई है रात को देर रात ही उन्होंने सूची जारी की, उसमें उन लोगों के भी नाम काट दिए गए जो सिरोही जी के सामने तय हुए थे, उनका भी विभाजित कर दिया गया और पैसे के आधार पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, किसी से 51,000 रुपए, किसी से 1,00,000 रुपए, किसी से 2,00,000, 5-7, 5-5, 7-7 लाख रुपए तक लेकर के इन्होंने टिकटें बेची है।